सो हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टार प्लस के सीरियल गो मैं किसी के प्यार में के बारे में। इस शो में अभी बहुत ही जल्दी हमें एक लीव देखने मिलने वाला है और ये शो अपनी लीव की न्यूज को लेकर काफी सुर्खियों में चल रहा है, जहां पर गो मैं किसी के प्यार में इस शो में लीव के बाद हमें शक्ति अरोरा, भोसले फैमिली और सुमित सिंह नजर नहीं आएगी। और चैनल ने इस शो का प्रोमो भी रिलीज कर दिया है। 10 से 18 जून में हमें सारी पहले स्टोरी देखने मिलेगी, जहाँ पर शाबी और ईशान मैरिज कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और उसी में ईशान की डेथ हो जाएगी। ऐसा ही कुछ ट्रैक हमें देखने मिलने वाला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि शक्ति अरोरा की एग्जिट के बाद भविका शर्मा की एग्जिट करानी है या फिर नहीं, इसके ऊपर बहुत दिनों से बातें चल रही थी, लेकिन अब न्यूज़ सामने आ गई है और कंफर्म न्यूज़ आ रही है कि भविका शर्मा गो मैं किसी के प्यार में इस शो को एग्जिट नहीं करने वाली है और भविका शर्मा लीव के बाद भी इस शो में हमें नजर आने वाली है। लेकिन अभी तक इतना ही कंफर्म हुआ है कि भविका शर्मा इस शो में लीव के बाद हमें नजर आएगी, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ एपिसोड्स के लिए हमें नजर आए या फिर वो आगे इस शो को कंटिन्यू भी कर सकती है। भविका शर्मा तो एग्जिट नहीं लेने वाली है, लेकिन वो कुछ एपिसोड तक दिखेगी या फिर हमें आगे भी दिखने वाली है गो मैं किसी के प्यार में, इसके ऊपर अभी कन्फर्मेशन आना बाकी है। जैसे ही कन्फर्मेशन आती है हम आपको बता देंगे। लेकिन ये गुड न्यूज है भविका शर्मा के फैंस के लिए कि भविका शर्मा हमें लीव के बाद भी इस शो में नजर आएगी और भविका शर्मा के साथ इस शो में हमें हितेश भारद्वाज और उन्हीं के साथ ही इस शो में आस्था शर्मा कन्फर्म बताई जा रही है कि भविका शर्मा के बाद ये दोनों भी हमें इस शो में नजर आएंगे। तो इस शो की लीव अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।